Hello guys, my name is Aslan. Welcome to my YouTube channel, and we are going to create a project, Switch the Light. So this is just the overview of the project we are going to create, and you can see it's totally responsive, and as we will be making it with the Bootstrap and JavaScript, so it will be totally responsive. So when it's the project is like when you put on this switch on button, the bulb light, and if you put the off button and the bulb light off. So as you can see, it's totally responsive, and the logic we will be putting it with JavaScript. So this is all the project we are going to create. So let's start. Okay, so let's start making the project. So first of all, what we will do, हम सबसे पहले क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप पे जाएंगे एंड बूटस्ट्रैप से एक स्टार्टर टेम्पलेट हम लेके आएंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे डॉक्स पे गए. डॉक्स से हमने यहाँ पर एक स्टार्टर टेम्पलेट कॉपी करी जिसमें बूटस्ट्रैप की सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड रहती है. ठीक है, फिर हम जाएंगे, हम यहाँ पर से एक नैव बार ले लेंगे. यहाँ पर हम नेव बार डाल देंगे, नेव बार, एंड हम यहाँ पर एक नेव बार लेके आएंगे. एंड देन हम यहाँ पर क्या लेंगे, एक कार्ड लेके आएंगे, उसके अंदर हम डॉट कंटेनर डॉट डी फ्लेक्स डॉट अलाइन आइटम्स एंटर डॉट जस्टिफाई कॉन्टेंट सेंटर. ओके, ये हमने बना लिए, कंटेनर को फ्लेक्स बना लिया. डी फ्लेक्स एक क्लास होती है बूटस्ट्रैप की, जिसके अंदर आपका क्लास जो है, जो कंटेनर है, वो आपका फ्लेक्स बन जाएगा. कंटेनर क्लास होती है जो मार्जिन देती है लेफ्ट राइट से, और जस्टिफाई अलाइन आइटम सेंटर, तो आपको पता ही है कि डिफ्लेक्स और डिस्प्ले फ्लेक्स में ये अलाइन आइटम हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सेंटर कर देता है. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ये ले लिया है. अब हम नेवबार पर जाएंगे, कंपोनेंट्स में नेवबार को सर्च करेंगे, एंड देन हमें एक नेवबार मिल गया है यहाँ से, और हम इसको यहाँ पर कॉपी करके सिंपली पेस्ट कर देंगे. और यहाँ पर हमने यहाँ पेस्ट करेंगे, यहाँ पर हमने नेवबार को पेस्ट कर दिया, और हम यहाँ पर नेवबार की जगह स्विच आई स्विच लिख देते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है. तो ये बना दिया हमने. अब बीच ही लाइट की जगह हम बीच ही डार्क करेंगे, क्योंकि डार्क मुझे पसंद है. नेवबार डार्क, ओके, ये हमने कर लिया. नाउ वी व्हाट वी विल डू इज वी विल ब्रिंग वन कार्ड फ्रॉम दी बूटस्ट्रैप. हम एक कार्ड को लेके आएंगे बूटस्ट्रैप से. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक कार्ड दिया होगा, कार्ड क्लास, तो ये कार्ड दिया है, तो फर्स्ट वाले कार्ड हम इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे. ये पेस्ट कर दिया हमने, ये हमारा आ गया कार्ड. बाकी सब चीज़ें हम यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे, जो जो हमें चीज़ नहीं चाहिए. तो कार्ड टाइटल हम यहाँ पर ले लेंगे टूल एक्स, इसको यहाँ लगा देंगे. बाकी जो हमें चीज़ है नहीं चाहिए वो हम वहाँ से हटा देंगे. तो ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए, हमने हटा देते हैं. ठीक है, ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए. फिर हम यहाँ पर इसको लेके आएंगे स्विच ऑफ बटन, सॉरी फोटो, तो ये हम ले आए कंट्रोल सेव कंट्रोल बी. ये आ गया कार्ड टाइटल है स्विच ऑन द लाइट, एचडी लाइट. नाउ हम क्या करेंगे, एक टॉप बॉटम से मार्जिन दे देंगे MY4 की. ये हमने दे दी मार्जिन, एंड पैडिंग भी दे देंगे padding 3 फ्रॉम ऑल द साइड्स. और अब हम इसको गो लाइव करते हैं. ठीक है, तो ये हमारा एक कंटेनर, एक कार्ड आ गया है. अब यहाँ पर हम एक दो बटन्स लेके आएंगे, लाइट ऑन और लाइट ऑफ. ओके, और एक और चीज़ करनी है हमें यहाँ पर, टेक्स्ट
सेंटर। ओके ये हमने टेक्स्ट एंटर कर दिया है और हम एक और क्या करेंगे यहाँ पर एक डॉट बटन्स की क्लास बना लेंगे और इसको हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे। ठीक है तो डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर एंड दिस शुड वर्क। एंड यहाँ पर हम लेके आएंगे button.btn dark ओके स्विच ऑन और स्विच ऑफ। ओके डार्क के बाद हम इनको एक स्पेसिफिक क्लास देंगे जिससे हम इनको टारगेट करेंगे, तो हम बोलेंगे ऑन और इसको हम बोलेंगे ऑफ। ठीक है अब हम इसको बोलेंगे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिए, अब ये हमारा कुछ ऐसा दिख रहेगा। ठीक है कार्ड में जाएंगे, कार्ड में पैडिंग देंगे P5 की पैडिंग दे दी। सिमिलरली यहाँ पर से हम देंगे MX2 की मार्जिन और यहाँ पर भी MX2 की मार्जिन। ठीक है और ये अब थोड़ा सा दूर दूर हो जाएगा, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं ये ऐसा कुछ दिख रहा है। तो हम इसकी विड्थ जो है कार्ड की बढ़ा लेते हैं, विड्थ कर दो 50, अगर 50 करके देख रहे हैं, अगर ठीक नहीं लगेगी तो हम हटा देंगे। तो ये बहुत वियर्ड सी आ रही है, बहुत बड़ी हो गई है। तो हम एक काम करते हैं इसको 25 ही रहने देते हैं और इसका जो 25 रहने देते हैं और इसकी जो पैडिंग है उसको हम 5 कर देते हैं। मे बी अच्छा लगे मे बी, तो हम जस्ट ट्रायल इन मैथ ट्रायल करके देख रहे हैं। ये ऐसा कुछ दिख रहा है, इसको हटा दो, फौरन हटा दो, बस स्विच ऑन स्विच ऑफ। तो स्विच ऑन की जगह हम इसको स्विच लिख देते हैं खाली और इसको भी ऑफ लिख देते हैं, बस इतना ठीक है। तो ये ऑन ऑफ आ गया है, अभी ये कुछ ठीक दिख रहा है। तो जब हम ऑन पे क्लिक करें तो ऑन हो, ऑफ पे क्लिक करें तो ऑफ हो। तो एक सेकेंड क्या करूँगा, इसको पहले ऑफ को लेके आऊँगा फिर ऑन को लेके आऊँगा। ठीक है थोड़ा ये ऑन यहाँ आ गए ऑफ यहाँ आ गए, तो ऑन पे क्लिक करें तो ये बटन ये कलर जो है येलो हो जाए और ऑफ पे क्लिक करें तो वापस से ऐसा हो जाए। ठीक है गुड, नाउ अब हम जावास्क्रिप्ट लिखना शुरू करेंगे। वेरी सिंपल स्क्रिप्ट SRC app.js, दो बटन है हमारे पास, दोनों बटन को ले लेंगे और इमेज को ले लेंगे। लेट btn is equals to document.querySelector.on Ctrl-C, Ctrl-V and off btn, similarly यहाँ पर भी off आएगा, इसको सेव कर देंगे। नाउ एक और चीज आएगी हमारी, लेट image is equals to document.querySelector.image। ठीक है तो अब हम निकल लिया है, अब हम क्या करेंगे ऑन btn डॉट एडिट इवेंट लिसनर क्लिक करो। और क्या बोलो image.src=on करने पे हमारी कौन सी हो जाए, ये वाली हो जाए। सिमिलरली ऑफ के साथ भी यही करेंगे, ऑफ btn.link और ये ऑफ हो जाए। बस सिंपल लॉजिक है, बस हो गया हमारा लॉजिक कंप्लीट। और हम इस पे जाएंगे तो ऑन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऑन होना चाहिए, ऑफ पे क्लिक करेंगे तो ऑफ होना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है, on.png ओके तो हमने इमेज की क्लास नहीं बनाई, इमेज की क्लास बना लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज, अभी ये वर्क करना चाहिए।
तो हम कहेंगे और ऑन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो गया, ऑफ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो गया, ऑन ऑफ। अब एक और काम हम करना चाहेंगे, मैं करना चाहूँगा एक्चुअली, कि ये जो है इसको हम BTN लाइट कर देंगे, LIGHT, LIGHT, और कार्ड जो है इसको हम BG डार्क, और BG डार्क है और टेक्स्ट वाइट। तो दिस वाज ऑल इन द प्रोजेक्ट गाइस। आप इसके अंदर कुछ और ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अभी तो ये अच्छा कलर चल रहा है। फॉर एग्जांपल आपके अंदर कोई स्टाइलिंग ऐड करनी है तो आप स्टाइल ऐड कर सकते हैं, इट्स ऑल योर चॉइस। एंड आपको कुछ और किस लाइक इसका बटन का कलर चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, आपको सर्च नहीं चाहिए तो आप चेंज कर सकते हैं, और जो भी आपका जो है इट्स ऑल योर चॉइस, जैसे आपको प्रोजेक्ट बनाना है आप बना सकते हैं। So this was all in the project guys, and as you have seen that this project is completely responsive. As you can see, this is completely responsive. So this was all in the project guys. Thank you guys for watching the video and see you next time.